नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हम लोग कंपेयर करेंगे मारुति ब्रेजा 2024 का। इसमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे बेस वर्सेस सेकंड बेस मॉडल में। दोनों में ही एग्जैक्टली हम लोग जानेंगे कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ डिफरेंस मिल जाता है, साथ में प्राइस में कितना डिफरेंस है और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। इवन मेरे हिसाब से जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको वीडियो के एंड में एग्जैक्टली आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई कौन सा लेने के लिए आपके लिए मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर आप VXI मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या 1,36,000 रुपये जो कि दोनों का डिफरेंस है, यानी कि अगर बात की जाए बेसिकली LXI मॉडल के बारे में तो ये आपको पड़ता है 8,34,000 रुपये की एक्सशोरूम कीमत में, वहीं पे VXI मॉडल आपको पड़ता है 9,70,000 रुपये की एक्सशोरूम कीमत में, और दोनों के प्राइस में तकरीबन 1,36,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो क्या ये वर्थ है वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवा दीजिए। बाकी बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, अगर बात की जाए मारुति ब्रेजा के बारे में तो भाई मारुति ब्रेजा एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV है जो कि काफ़ी पॉपुलर रही है और अभी भी मतलब लोगों के बहुत पसंद आती है। उसका कारण भी है इसका ज़बरदस्त लुक, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर कर दी मारुति ने, साथ में दोस्तों पावरफुल इंजन भी आपको इसमें मिलता है और ज़बरदस्त स्पेस भी आपके पास में अवेलेबल हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों ये है कि मारुति ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको कॉम्पैक्ट SUV में होने के बावजूद ये आपको पेट्रोल के साथ में CNG में भी अवेलेबल हो जाती है, जो कि वन ऑफ द इसका बेस्ट USP हम लोग कह सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग मारुति ब्रेजा या फिर टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों को CNG में भी परचेस करना चाहते हैं। हालांकि टाटा नेक्सॉन अभी CNG में नहीं अवेलेबल है, बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में फिलहाल जो हमारे पास में अवेलेबल है वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा। पर अगर बात की जाए LXI मॉडल से शुरुआत करते हैं तो भाई LXI मॉडल आपको पड़ता है 8,34,000 रुपये में। फ्रंट का लुक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लगेगा। फ्रंट में आप देख सकते हैं क्रोम की ग्रिल आपको मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिलेगा, प्रोजेक्टर बेस हैलोजन हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, फॉग लैम्प्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं। अभी ये LXI मॉडल है, अभी इसे आप कंपेयर कीजिए VXI मॉडल से तो भाई VXI मॉडल में आप जैसे आप देखेंगे तो भाई कुछ भी बदला हुआ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इवन फ्रंट लुक से आप बता ही नहीं सकते हैं कि भाई कौन सा LXI है कौन सा VXI। इवन आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाती हैं, सेम क्रोम का पैटर्न और सेम आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर आपको सेम देखने के लिए मिलती है, यानी कि मतलब कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये एक चीज़ है। अभी अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल के बारे में तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे LXI मॉडल में, तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं R16 टायर साइज के आपको देख सकते हैं मिलेगा, MRF का टायर आपको मिलेगा। एग्जैक्टली जो टायर प्रोफाइल है वो है आपकी 215/60 R16। सेम अगर आप अपने VXI मॉडल में देखेंगे तो यहाँ भी आपको सेम 215/60 R16 का टायर साइज आपको मिल जाता है। व्हील कवर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे, दोनों ही गाड़ियों में गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं, सो एक चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं बॉडी कलर ORVM विथ टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर डोर हैंडल है, ये आपका LXI मॉडल है। और सेम आपको VXI में देख सकते हैं बॉडी कलर ORVM विथ टर्न इंडिकेटर एंड बॉडी कलर डोर हैंडल। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एक्सटीरियर में भी हम लोगों ने साइड प्रोफाइल में जो चीज़ नोटिस की है कि भाई सारी चीज़ें बिल्कुल ही आपको सेम मिलती हैं, कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। इवन अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना दोनों ही सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। सो अगर बात की जाए रियर प्रोफाइल के बारे में तो रियर में थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सबसे पहली चीज़ अगर आप इसके LXI मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीवोगर वॉशर वाइपर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा LXI मॉडल में। बाकी शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, टेल लैम्प आपको मिल जाती है, 4 पार्किंग सेंसर है, 2 रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं। बाकी ब्रेजा की बैजिंग आपको मिलेगी, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एंड अगर आप इसका बूडी स्पेस देखेंगे 328 लीटर का बूडी स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ पे हेडरेस्ट आपके नहीं दिए गए रियर वाली सीट में, एंड रियर की सीट 100% फोल्डेबल है। अगर आप इसका स्पेयर व्हील देखेंगे तो R16 साइज का मिलेगा, बिल्कुल ही सेम है, इमरजेंसी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये एक बेहतर फीचर है दोस्तों। तो ये है आपका LXI मॉडल है। अगर आप इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं, 1,36,000 रुपीज़ आप इसमें ऐड करते हैं तो भाई एक चीज़ आपकी बढ़ जाती है, वो है डीफॉगर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं
डिफॉगर आपका इसमें एड ऑन हो गया, बाकी वॉशर वाइपर आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर ही आपको सेम मिलती हैं, कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। सेम 4 पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर हैं, टेल लैंप है, हाई मॉडल स्टॉप लैंप है, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको मिलेंगी। बट एक चीज़ बदल जाती है दोस्तों, जब आप इसका बूट ओपन करेंगे तो आपको जो रेयर में जो सीट है ये आपकी हेडरेस्ट के साथ में आ जाती है, वो भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो ये चीज़ आपके पास में अच्छी चीज़ हो जाती है, चीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी स्पेयर व्हील आपको यहाँ भी सेम साइज़ का आपको मिलेगा, R16, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पार्सल ट्रे अगर दे देते तो और बेहतर हो जाता, पार्सल ट्रे खैर यहाँ भी आपको नहीं मिलती है। यानी कि रेयर में सिर्फ और सिर्फ आपका डिफॉगर आपका एड ऑन हुआ, बाकी सारी प्रॉपरली सेम आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो एक्सटीरियर में अगर आप देखेंगे तो भाई सिर्फ एक चीज़ बदली हुई मिली है, वो है आपका डिफॉगर VXI मॉडल। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ VXI में डिफॉगर मिलेगा, अदरवाइज सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको सेम मिल जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे LXI मॉडल में, देखते हैं कि यहाँ पे भाई हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करेंगे, तो डोर पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे भाई चारों पावर विंडो दी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड की विंडो वन टच अप फंक्शन एंड वन टच डाउन फंक्शन के साथ में आ जाती है, प्लस में एंटी पिंच फंक्शन के साथ में भी आपको मिलेगी। यानी कि अगर हाथ वगैरह बीच में आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा। ओआरवीएम्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, लेकिन ओआरवीएम्स के कंट्रोल ऐसे हैं भाई आप इसे इलेक्ट्रॉनिक आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट ओपन एंड क्लोज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे स्विच नहीं दिया गया है। बाकी कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। और यहाँ पे अगर बात की जाए ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलैम्प एडजस्टेबल आपके पास में मिल जाता है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो स्टेयरिंग को आप टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। टिल्ट वे में आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। और की आप देख सकते हैं लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा, सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है की में, फ्रॉम द बेस मॉडल स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर चीज़ है। एंड दोस्तों स्टेयरिंग में देखेंगे तो कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलेंगे, डुअल हॉर्न आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। बात की जाए अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो लेफ्ट साइड आपका RPM, राइट साइड आपका टैकोमीटर, बीच में आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख सकते हैं फ्यूल गेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, टाइम शो होगा, अदर सारे ऑप्शंस आपके पास में आ जाते हैं। पार्किंग सेंसर दिया गया, तो इन्फोग्राफिक आपका यहाँ पे शो होता है, जब आप रेयर में करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको शो होगा। बाकी मीडिया के कंट्रोल्स आपके इसमें कुछ भी नहीं मिलेंगे, कोई भी ऑडियो सिस्टम या टच स्क्रीन ऐसा नहीं मिलेगा, खाली खाली है। इसमें आप चाहे तो आफ्टर मार्केट एक टच स्क्रीन लगवा सकते हैं। AC के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के मैनुअल्स कंट्रोल आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। नीचे 12 वोल्ट का एसेसरी होल्डर, चार्जिंग सॉकेट है, 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में आ जाती है, LXI मॉडल है। बाकी ग्लव बॉक्स में देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 सनवाइजर है, जिसमें कि लेफ्ट साइड नॉर्मल है, राइट साइड आपको टिकट होल्डर अवेलेबल हो जाता है। सो ये है आपकी मारुति ब्रेजा LXI, यानी कि सबसे बेस मॉडल है। अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं VXI मॉडल में, तो भाई वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ हमारे लिए बदल जाता है। तो VXI मॉडल जो मैंने डिफरेंस आपको बताया, ये आपको पड़ता है 970,000 रुपये में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ भी नहीं आपका एड ऑन होता है। अब बात करते हैं डोर पे, तो डोर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें प्रॉपरली सेम है, सिर्फ एक चीज़ आपकी ऐड हो जाती है, वो है ORVM का इलेक्ट्रिक ओपन एंड क्लोज करना। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आप इसे ओपन एंड क्लोज कर पाएंगे, ये अच्छी बात है। साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि हाइट एडजस्ट भी आप कर सकते हैं सीट को, ये एक बेटर ऑप्शन है। वन मोर थिंग दोस्तों, ये तो दो चीज़ें हो गई मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं स्टेयरिंग के बारे में, तो भाई स्टेयरिंग में कुछ मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन करना, म्यूट करना, साथ में कॉल रिसीवेंट कट करना गाड़ी चलाते वक्त या रोक के, जैसे भी आपको ठीक लगे। बाकी वॉइस कमांड का ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल हो जाता है। सेम की फंक्शन आपको मिलेगी, लॉक ऑन का बटन आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सेम है, हेडलैम्प एडजस्टेबल ये भी सेम है, लाइट के कंट्रोल्स भी सेम है। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के जो कंट्रोल है वो भी आपके पास में सेम मिल जाते हैं। इवन अगर आप ये वाला देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये भी प्रॉपरली आपको सेम मिलेगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ बदला हुआ नहीं मिलेगा, सेम आपको भी देखने के लिए मिल जाता है। चेंज कहाँ पे दोस्तों, वो आपको मिल जाता है 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जो कि आपका एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में आ जाता है। साथ में दोस्तों एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिलेगा। तो ये जो पैनल आप देख पा रहे थे वहाँ पे हम लोग देखा था नॉर्मल था मैनुअल में, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिलेगा, तो ये काफ़ी बेहतर हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। ये जनरली आपको बाहर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पूरा ये पैनल ही आता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है फ्रंट में और रियर में, डिफॉगर और
और यहाँ पे देख सकते हैं 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट जो कि हमें बेस मॉडल में भी था, बट यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट बढ़ गया है जिससे मैं अपना फ़ोन अभी चार्ज कर रहा था, और बाकी दो कप होल्डर है। ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको सेम आपको मिलेंगी। यहाँ पे ये वाली जो क्लैडिंग थोड़ा सा वर्क आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पे सिल्वर कलर का, सो ये एक थोड़ा सा बढ़ गया है तो अच्छा लग रहा है लुक वाइज, थोड़ा स्पोर्टी लुक आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। माइक यहाँ पे आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड आपके पास में मिरर आ जाता है, अब एंटी मिरर आपको मिलेगा, पहले एलेक्साई मॉडल में आपको नहीं मिलता है। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि VXI मॉडल में आपके पास में ऐड हो जाती हैं। अब देख लेते हैं रियर साइड में, यानी कि अगर हम पीछे जहाँ पे हमारी फैमिली बैठेगी, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास में LXI मॉडल है, तो इसको रियर साइड में आप देखेंगे तो ये हमारे पास में रखे हुए व्हील कवर हैं, और इसके साथ में ही आप देख सकते हैं इसमें मिलता है रियर में AC के वेंट्स। सो रियर में AC के वेंट्स आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं बेस मॉडल में। चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, रियर में हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन है, और 2 ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट का ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल हो जाता है। बाकी अगर आप इसे VXI मॉडल में ले लेते हैं तो VXI में क्या कुछ मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप VXI की तरफ आ जाते हैं तो भाई VXI में पहली चीज़ तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, यानी कि अब आपको हेडरेस्ट का टेंशन नहीं रहेगा, हेडरेस्ट आपके पास में आ जाते हैं। और सीट में बाकी सारी चीज़ सेम है, 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन है, 2 ISOFIX चाइल्ड माउंट का ऑप्शन है, प्लस में यहाँ पे आपके AC के कंट्रोल्स हैं, यानी कि AC के वेंट्स एक्चुअल में ये मिल जाते हैं। रियर में पावर विंडो दोनों साइड सेम है, स्पीकर आपको यहाँ पे बढ़ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको सेम मिलती हैं। ओवरऑल मैं एक बार आपको समराइज करके बता देता हूँ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। बात करिए दोस्तों अगर एक्सटीरियर से, तो भाई मारुति ब्रेजा में रियर साइड में VXI में सिर्फ और सिर्फ आपका डिफॉगर एड ऑन हो जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। एक्सटीरियर में आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा LXI कौन सा VXI अगर आप पीछे ना देखिए तो। बाकी अगर आप बात की जाए इंटीरियर में, तो आपको ओआरएम के इलेक्ट्रॉनिक ओपन एंड क्लोज करने के लिए ऑप्शन आपको मिलेगा VXI में, प्लस में हाइट सीटिंग एडजस्टमेंट जो कि आपका ड्राइवर सीट पर वो एड ऑन हो जाता है, और एक आपका 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिलेगा, प्लस में कुछ मीडिया के कंट्रोल्स आपके पास में आ जाते हैं, और साथ में दोस्तों रियर में हेडरेस्ट भी आपके पास में ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको VXI के साथ में देखने के लिए मिल जाती हैं, और बाकी 4 स्पीकर भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो अगर 1,36,000 जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो पर्सनली मुझे मतलब कि ऐसा लगता है कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं उतना नहीं हो रहा है जितना कि हमारे पास में मारुति ब्रेजा का LXI मॉडल हो रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मुझे LXI लें या फिर VXI लें, तो इस वीडियो से आपको भी समझ में आ गया होगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे लिए, अगर मुझे पर्सनली मुझे अगर चॉइस कर रही हूँ इन दोनों में से, तो मैं डेफिनेटली LXI मॉडल की तरफ में जाऊँगा। कुछ चीज़ें मैं बाहर से करा के और बेहतर करा सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैमरा भी आपको इसमें नहीं मिलता, मतलब इतना पैसा खर्च करने के बाद में कैमरा भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मुझे बाहर से करवानी पड़ेंगी, सो क्यों ना मैं LXI मॉडल को उठा के, जो कि बिल्कुल ही सेम है सारी चीज़ें, तो मैं इसे बाहर से क्यों ना करवा लूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा, मैंने एक चीज़ आपके पास में बताई है, सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि LXI ज़्यादा बेस्ट है या फिर VXI है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नए लोग साथ में, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।